गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो किचन में बना लिया है मैंने नाश्ता। नाश्ते में बनाए हैं गोभी आलू और लंच के लिए मैंने आज बनाए हैं सफ़ेद छोले, पार्थ को बहुत पसंद है। और ये मैं चपातीस बना चुकी हूँ। अब मैं उसका लंच, टिफ़िन वगैरह, ब्रेकफास्ट सब पैक करने लगी हूँ। और पार्थ रेडी हो चुका है। गुड मॉर्निंग। ओ माय गॉड, स्वास्तिक पोज में बैठे हैं आप। स्वास्तिक साइन ऐसे बैठा हुआ था तो ये रेडी हो चुका है गाइस और मस्त मज़े से अपना फ़ोन चेक कर रहा है। जब खाली मेरे हाथ में होता है तो मैं जल्दी रेडी करवा देती हूँ। अब टिफ़िन पैक हो रहा था। और आपके जीजू आज रात को आ जाएंगे। अभी सुबह सुबह उनसे वीडियो कॉल पे बात हो गई है। और आज मैंने ASMR भी शूट करना है, तो उसमें मैं अपने यही छोले भी रखूँगी। लो जी, हो गई हमारी किचन साफ़। दूध हमने उबलने रख दिया है और बर्तन भी हमने कर दिए हैं, क्योंकि आज हमारी मेड है छुट्टी पे। उसका सुबह फ़ोन आया, मुझे छुट्टी पे थी नहीं, वो उसका फ़ोन आया, दीदी बुखार हो रहा है तो नहीं आ पाऊँगी। देखेगी दवाई दुई खा के, अगर बाद में आया गया तो सफाई कर जाएगी। मैंने तो अपनी किचन साफ़ कर ली है। लो जी, सुबह सुबह होगी हमारी एक्सरसाइज, है ना। जो होता है अच्छा ही होता है। शुक्राना गुरुजी, एक्सरसाइज ही लोड होनी है। अब मैं अपना कमरा समेटूँगी थोड़ा और उसके बाद नहाकर जय करके फिर मिलती हूँ आपको। अभी हम ऐसी हालत में हैं, इसके बाद हम टाटा आ गए हम वापस। नहाई धोई करके जय करके अपना बेड साफ़ कर लिया है पूरा एंड मस्त तैयार हैं। अब हम अपना काम शुरू करने के लिए, मैं शुरू करने वाली हूँ एडिटिंग। मुझे आज का ब्लॉग भी एडिट करके पोस्ट करना है और आज मेरे को शूट डे भी रखना है। तो आज मुझे इंस्टा ब्रांड वीडियो शूट करना है, एक यूट्यूब ब्रांड वीडियो शूट करना है और ASMR भी करना है। आई नो बहुत ज़्यादा है, देखती हूँ क्या हो पाता है। छोले तो मैंने बना रखे हैं। मैंने सोचा था अगर ASMR करूँगी तो वो यूज़ करूँगी, बट लेट्स सी। बट आज ऑल बिजी डे, तो मिलती रहूँगी आपको बीच बीच में। गाइस, सवा एक हो गया है। मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए मूली का पराठा, क्योंकि अभी तक मेरा खाना आया नहीं है और फिर लेट हो जाएगा मुझे वीडियो शूट करने में, तो फिर उनका लंच लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा 1:30 बजे वो खा लेती हैं, तो मैं अभी बना कर दे ही देती हूँ। ये है मूली और धनिया और नमक मिर्च मसाला डाल दिया मैंने हल्का हल्का। मूली को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया, सारा पानी निकल गया इसका। पेड़ा मेरा तैयार है। बनाते हैं मूली का पराठा और सर्व करते हैं मक्खन के साथ। गाइस, हो गया मेरा ASMR मकबैंग वीडियो शूट। छोले तो स्वाद थे ही, मैंने बनाए थे छोले चावल। और मैंने कढ़ाई पनीर जो मंगाया था वो भी बहुत यम था, अनुपम स्वीट से मंगाया था। एंड मैंने फर्स्ट टाइम मिंट लच्छा पराठा बनाया, मंगाया पुदीने वाला। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उसकी। बाकी सारे खाने के ऊपर सबसे ज़्यादा तेज़ पुदीने वाले पराठे की खुशबू आ रही थी, तो बहुत अच्छा रहा। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये वाइट कलर मेरे फेस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा खाना भी गिर गया मेरी इस वाइट टॉप के ऊपर, तो मज़ा आ गया। 2:10 हो गए। मम्मी को तो मैंने खाना पहले ही दे दिया था, देखा। अब मैं 2:10 पे फ्री होते और ना जैसे ही ख़त्म करते हैं उसके बाद थोड़ा सा हैवी फील होता है ना, मन नहीं करता जाके किचन में गैस के आगे खड़े होने का। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उनको पहले खाना खिला दूँ, बाद में वीडियो शूट करूँ। बट कई बारी इतना बैक टू बैक हो जाता है कि वीडियो के बाद भी बनाना पड़ता है। तो अब 2:10 से 2:30 में थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, फ़ोन स्क्रॉल करूँगी, आपके कमेंट्स की रिप्लाई करूँगी, फिर 2:30 जाऊँगी पार्थ को लेने। वेटिंग टाइम वापस। ये रहा मेरा लाल पार्थ शर्मा। कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत मस्त था। तो आज आपको छोले और गोभी आलू पसंद आए? बहुत स्वाद, सारा चट करके आया हूँ। वेरी गुड, सारा चट करके आए और आते ही भूख लगी हुई है। हाँ। फ्राइड एग्स टाइम कई दिनों के बाद। और ये हैं अपने ब्रेक पे, देख रहे हैं ये रोस्टिंग वीडियो देख रहा है। तो अब हम थोड़ा सा करेंगे विश्राम, यू नो, जब तक पार्थ का ब्रेक है। और फिर ये पढ़ने चला जाएगा उधर, फिर मेरी योगा क्लास होगी और फिर आ जाएगा रात का टाइम। फिर आएंगे आज पापा। पापा हम सुन पापा। हाय गाइस, इवनिंग 6 o'clock और मैं अभी बना रही हूँ वेज चीज़ टोस्ट स्नैक में। आप ही आ जाओ, खाते हैं। देखो पसीने आ रहे हैं सारे। और आज रात को मैं बनाने वाली हूँ घी के कोफ्ते, बड़े दिनों बाद। तो ये घिया ग्रेट करवा लिया मैंने, अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी कोफ्ते। वेज चीज़ टोस्ट रेडी। गाइस, कल का व्लॉग मैंने एडिट कर लिया और मैं बना रही हूँ किचन में कोफ्ते। मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। ऐसे मम्मी जब कोफ्ते बनाती थी ना, जब हम छोटे थे, तो हम मतलब ऐसे ही उठा के पकौड़े की तरह खा जाते थे। अब कहाँ रहा वो टाइम। आपकी जीजू से भी बात करी है मैंने। फ्लाइट बोर्ड करने के लिए वेट कर रहे हैं वो एयरपोर्ट पे 3 घंटे से। 7:30 बोर्ड करनी थी उन्होंने, 7:40 हो गए हैं। अब वो फ्लाइट में चले गए हैं। 10:30 उनकी फ़्लाइट लैंड करेगी और मेरे पास वो 12-1 बजे तक आ जाएंगे। बस अभी कोफ्ते बना रही हूँ मैं। पार्थ गेम खेल रहा है अपनी उस रूम में, पढ़ाई वढ़ाई हो गई थी तो 1 घंटा गेम खेलने का टाइम होता है उसका। मैं बस कोफ्ते बना के जाऊँगी रूम में और फ़ोन स्क्रॉल करूँगी, सोचूँगी और आगे कौन कौन से वीडियोज़ बनाने हैं। और ब्रांड वाले वीडियोस की आज मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, वो कल करूँगी सुबह उठ के, मुझे सबमिट भी करने हैं। तो बस आज का यही दिन था गाइस। इसी के साथ ख़त्म करती हूँ मैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में तो आपको जीजू नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कल सुबह नया व्लॉग जीजू के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जय गुरु जी।